तो भाई लोग आज हम घूमने वाले अमृत उद्यान। तो अमृत उद्यान नॉर्थ एवेन्यू में पड़ता है। यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको पब्लिक विजिटर के लिए कोई पार्किंग नहीं मिलेगी, बट आप अपनी गाड़ी कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो टो नहीं होगा। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर जाएगा, जहां से आपको फ्री शटल सर्विस भी मिलती है। अगर आपको जल्दी है तो आप ऑटो की सवारी लेके 20 रुपए देके आ सकते हैं। गेट नंबर 35 से ही आपको एंट्री मिलने वाले अमृत उद्यान में, तो वहीं पे भी आपको एंट्री के लिए पासेज भी मिल जाएंगे। हालांकि एंट्री फ्री है, बट आपको पासेज लेने के लिए आपका आधार कार्ड का नंबर और आपको फोन नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जहाँ आप 10 बजे से लेके 5 बजे तक घूम सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर गार्डन है, इसलिए भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है फोटो खिंचवाने के लिए, रील बनवाने के लिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइन लगाना पड़ेगा ताकि आपको एंट्री मिल पाए। एंट्री करने के लिए आपको अपना बैग के साथ साथ सारा सामान यहाँ पे जमा करना होगा। बस आप अपने साथ में एक वाटर बॉटल और फोन लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कैमरा, ट्राइपॉड, खाने की चीज एक्सेट्रा, जैसे एयरपोर्ट हो गया या फिर माइक हो गया, कुछ भी आप लेकर के एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी वहीं पे ही जमा हो जाएंगी। एंड फाइनली हमने एंट्री कर लिया 35 गेट नंबर से अमृत उद्यान के इनसाइड, मींस प्रेसिडेंशियल स्टेट के अंदर। अमृत उद्यान पब्लिक विजिट के लिए साल में एक ही बार खुलता है, खास करके स्प्रिंग सीजन में फरवरी टू मार्च, लेकिन पिछले साल ये 2 बार खुला था, इसलिए हो सकता है अब आगे से 2 बार खुलने लग जाए। और ये रहा बाल वाटिका, ये खास करके बच्चों के लिए डिजाइन किया हुआ है जिसमें बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। कुछ झूले लगे हुए हैं और एक छोटा सा यहाँ पे झोपड़ी बना हुआ है जो पेड़ के ऊपर, हालांकि ये कभी कभी ओपन भी रहता है और कभी बंद भी रहता है। अमृत उद्यान 13 एकड़ में फैला हुआ एक प्लान्ड लैंडस्केप गार्डन है। ये मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और इसका हर एक सेक्शन एक डिस्ट्रिक्ट के थीम के ऊपर में बेस्ड है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ बॉन्जाई वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको दोस्तों बॉन्जाई देखने को मिलेगा, हालांकि बहुत सारे हैं बट उसके पत्ते, पतझड़ का टाइम चल रहा है तो पत्ते तो झड़ रहे हैं, बट आप देखोगे तो ये दोस्तों फिक्सर ब्रीड देसी फिक्सर्स इस तरीके से नाम है। और भाई नाम में थोड़ा बहुत आप करेक्शन कर लेना, मतलब इस सेक्शन में आओगे ना तो यहाँ पे आपको बॉन्जाई देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखे इस गार्डन का, तो ये गार्डन सर एडविक ल्यूटेनेंट्स ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने रीडिजाइन किया था वो भी ब्रिटिश एरा के टाइम पे। और ये है एक म्यूजिकल फाउंटेन, यहाँ पे म्यूजिक के साथ साथ आपको वाटर एक तरीके से डांस करता हुआ दिखेगा और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन की तरफ में, और ये गार्डन आपको जस्ट प्रेसिडेंट हाउस के अपोजिट साइड में पड़ता है। तो यहाँ से आपको प्रेसिडेंट हाउस का बैक साइड दिखेगा। इसमें बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स है, जिसमें रोज़ काफ़ी ज़्यादा है, फिर कैक्टस हो गया, इसके अलावा ट्यूलिप हो गया, बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, हर सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको प्रेसिडेंट हाउस के साथ में कुछ इमेजेस लेनी है, मतलब बैकग्राउंड में उसे रख करके, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी सारे लोग वीडियोज फोटोज लेते हैं, आप भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलाब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग वैरायटी के पिंक, रेड एंड सम ऑफ द वाइट्स, एंड वाइट एंड पिंक का भी मिक्स मुझे यहाँ पे गुलाब देखने को मिला था। अमृत उद्यान का पहले नाम मुगल गार्डन हुआ करता था, हालांकि इसमें मुगल शासन के वक्त का जो छवि है गार्डन की वो दिखाई देती है, जैसे कि टेरेस लॉन, सिमेट्रिकल पाथवे, कैस्केडिंग वाटर चैनल एंड मैनिक्योर्ड फ्लावर बेड्स, मीन्स छोटे छोटे फ्लावर के जो बेड्स जैसे लगे रहते हैं वो। इधर गुलाब, उधर गुलाब, रोज डे तो चला गया, ये गुलाब उद्यान। इस सेक्शन में आपको ढेर सारे गुलाब दिखेंगे, दोनों ही साइड में पाथवे बनी हुई है मिड में, और दोनों साइड में क्यारियाँ बनी हुई है जिसमें अलग अलग तरीके के गुलाब लगे हुए हैं, कहीं पे वाइट कलर में, कहीं पे रेड में, और गुलाब के अलावा भी बहुत सारे ढेर सारे अलग अलग फ्लावर जो है सब पाथवे पे टांगे गए हैं, गमले में लगाए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा, साथ में कुछ साउंडिंग के लिए भी यहाँ पर लगाया गया है। एंड आप देख सकते हैं कितना सिमेट्री वे में आपको ये पाथवे मिलता है, और इसके सामने ही आपको ये राउंड सर्कल कुलर वाला गार्डन मिलेगा। ये गार्डन खास 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक लॉन्ग गार्डन है और एक सर्कुलर गार्डन है। हर एक सेक्शन आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस विजुअल देता है।
यहाँ आपको 100 से भी ज्यादा गुलाब की वैरायटी मिल जाएंगे, ट्यूलिप गार्डन्स मिल जाएंगे, बॉन्जाई गार्डन मिल जाएंगे, अलग अलग हर्ब्स जो ऐसे रेयर हर्ब्स होते हैं जो कहीं नहीं देखने को मिलते वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सर्कुलर गार्डन के बीच में आपको मिलता है एक फव्वारा जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और वहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है। हालांकि आपको एक राउंड लगाना होगा, राउंड लगा करके आप जो है एग्जिट कर लेंगे। अगर आप फूलों के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं और अगर आप फ्लावर्स की बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीर लेना चाहते हैं और रील्स बनाना चाहते हैं उनके साथ, तो आपको ज़रूर आना चाहिए अमृत उद्यान। और अमृत उद्यान के एग्जिट के बाद में आपको मिलता है फूड कोर्ट, जहाँ पे आप जाके खाना पीना खा सकते हैं। नॉर्मली रेट बहुत ज़्यादा नहीं, बट यस एज यूजुअल थोड़ा सा महंगा है। जहाँ पे आप जो है वेज थाली देख सकते हैं 170 के, जो सबसे लोएस्ट है वो है टी 30 रुपीज़ की। बाकी आपको पानी वगैरह MRP के बेसिस पे मिलेगा। वेज बिरयानी मिल जाती है, पाव भाजी मिल जाती है, तो जो जितने भी चीज़ें हैं समोसे दो आपको 80 के मिलेंगे। तो ये नॉर्मल रेट है। सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कर दीजिए लाइक से कमेंट किया, और अगर आपने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस तरीके से और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड वंदे मातरम।